सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके एक और नए वीडियो पे। सो अभी तक वर्ल्ड कप में 32 टीमों में से 8 टीम अगले राउंड के लिए, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ग्रुप ए से नीदरलैंड और सेनेगल ने क्वालिफाई किया है, ग्रुप बी से इंग्लैंड एंड यूएसए, ग्रुप सी से अर्जेंटीना पोलैंड, ग्रुप डी से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हम सिर्फ इस वीडियो में ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करेंगे। ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम थी वो पहले देख लेते हैं। कतर, सेनेगल, नीदरलैंड्स और इक्वाडोर थी। सो इन चारों में नीदरलैंड्स और सेनेगल ने क्वालिफाई किया और नीदरलैंड्स काफ़ी इजीली इस ग्रुप को क्वालिफाई किए। और सेकेंडली इक्वाडोर वर्सेस सेनेगल, इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ और सेनेगल क्वालिफाई कर गई। फर्स्ट मैच सेनेगल वर्सेस इक्वाडोर का हुआ था, सेनेगल ने 2-1 से जीता और वो मैच को क्वालिफाई किया और कोलिबाली ने कप्तानी परफॉर्मेंस दिखाते हुए गोल करके मैच को जिताया और टीम को नेक्स्ट राउंड के लिए लेके गया। और एक नीदरलैंड्स के लिए कतर के खिलाफ बहुत इजी विन था और वो जीत गए अच्छे से। कोडी गैप्को ने काफ़ी इंप्रेस किया अभी तक इस वर्ल्ड कप में और मैं आगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा उनसे भी। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में थे इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और वेल्स। तो इन चारों ही टीमों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। वेल्स का थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस था, जैसा उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाया जा सकता था। और यूएसए वर्सेस ईरान जो लास्ट मैच था इस ग्रुप का, और काफ़ी तगड़ा मैच हुआ था। बहुत सारे रीजंस की वजह से इस मैच में बहुत हाइप भी बनी थी कि बहुत तगड़ा मैच जाएगा और सही में बहुत अच्छा मैच भी गया। यूएस ने वो मैच को जीता 1-0 से। कैप्टन अमेरिका मिस्टर क्रिस्टिन पुलिसिक, चेल्सी के प्लेयर, उन्होंने एक गोल किया और मैच को वहीं मैच जीते। तो काफ़ी अच्छा हुआ था ये मैचेस। और अभी हम बात करते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी से कौन कौन एक दूसरे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में मैच खेलने वाली है। नीदरलैंड्स खेलेगी यूएसए से, जैसे कि जो भी ग्रुप टॉप करती है वो सेकेंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप के सेकेंड बेस्ट टॉपर से मैच खेलती है। जैसे नीदरलैंड्स ग्रुप ए को टॉप की तो ग्रुप बी की सेकेंड टीम यूएसए, तो यूएसए से मैच खेलेगी नीदरलैंड्स। और वैसे ही सेनेगल खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। मैं सोच रहा हूँ नीदरलैंड्स जीत जाएगी आराम से ये वाला। एक इजी विन हो, इजी तो नहीं मतलब एक विन होगा नीदरलैंड्स के लिए यूएसए के खिलाफ और वो क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई कर जाएगी। और ये इंग्लैंड वर्सेस जो सेनेगल का मैच होगा वो काफ़ी बेहतरीन मैच होने वाला है, क्योंकि भले सेनेगल फिनिशिंग में अभी भी उतने अच्छी नहीं है पर डिफेंसिवली बहुत अच्छी है अभी। वही बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड डिफेंसिवली भी अच्छा खेल रहे हैं, मिड तो एकदम लाजवाब और अटैक तो बेहतरीन है अभी तक। इंग्लैंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और यूएस वाले मैच को बात छोड़ दे तो बाकी मैच देख रहा हूँ, ये मैच बहुत टफ होने वाला है और इंग्लैंड कैसे ना कैसे करके क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट राउंड में। अगर सेनेगल क्वालिफाई कर जाती तो बात अलग है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार शायद इंग्लैंड जीत सकती है क्योंकि उनका यूरोज में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, फाइनल्स तक पहुंची थी, हार गई वो बात अलग है। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लग रहा है 16 की ये दो मैच के, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो पे। और एक बात और, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या फिर अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोज़ बहुत अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या है मैं भी और ऐसे टाइप के वीडियो लाते रहूँगा आपके पास और आपको भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो पे। तब तक ले बाय एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप।